सर वहां पर पहुंचेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये विदाई राष्ट्रपति भवन से, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज से ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आसीन होंगे। तो आखिरी पल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति भवन में निश्चित रूप से एक 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 भावना से जुड़ा हुआ पल इसे कह सकते हैं, क्योंकि 5 साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां पर रहकर देश की सेवा की है। कल जब हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आखिरी संदेश राष्ट्र के नाम सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन में बिताए पल उनके लिए यादगार रहेंगे। उन्होंने कहा था कि संसद भवन मेरा मंदिर है और इस देश के नागरिकों की सेवा ही मेरा इन 5 सालों का काम था। बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन से विदा हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जो काम दिया, मतलब जो व्यवस्था होती है जो इतने गरिमामय पद के लिए, उस लिहाज से उस पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां से सीधे संसद भवन पहुंचेंगे, जहां पर संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में अगवानी की जाएगी। राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडेंट के नेतृत्व में जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक जस गाड़ी में जब वो शपथ के लिए जाते हैं, तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाईं ओर बैठते हैं और वर्तमान राष्ट्रपति दाईं ओर बैठते हैं, और उसके बाद वो सीधे यहां से संसद भवन परिसर में जाते हुए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर तक का सफर दोनों वर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तय करेंगे, और संसद भवन परिसर में अगवानी की जाएगी राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर अगवानी करेंगे दोनों अतिथियों की, और तुरही बजाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में सलामी दी जाएगी अंगरक्षकों के माध्यम से, और उसके बाद संसद भवन परिसर की ओर कूच करेंगे। और जब संसद भवन परिसर में ये पहुंचने वाले होंगे तो एक तरह से तुरही प्रतीक होगा कि राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष की ओर आ रहे हैं, तब उनके सम्मान में पूरा संसद भवन परिसर का केंद्रीय कक्ष, वहां पर मौजूद तमाम सारे अतिथि, सांसद, मंत्री उनके सम्मान में खड़े होंगे। अंगरक्षकों के दस्ते के साथ राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर जाते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति के अंगरक्षक के दस्ते के रेजिमेंट का रंग नीला और गाढ़ा लाल होता है। इस दस्ते का अमर वाक्य भारत माता की जय है। वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते में सिख, जाट और राजपूत सहित लगभग सभी रेजिमेंट के जवान और अधिकारी कार्यरत हैं। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर ले जाते हुए ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में लगभग 12 बजे के आसपास नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जगदीश सिंह खेहर राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को।
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से ऐतिहासिक पल यह है जब आप और हम मिलकर भारत के 14वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होने जा रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। प्रणब दा के कार्यकाल को भी याद किया जाएगा क्योंकि कई सारे ऐतिहासिक फैसले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में राष्ट्रपति का पद कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों का संरक्षक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपति का होता है। ये सीधी तस्वीरें राजपथ की, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर का सफर तय किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। इन सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने या रक्षा बलों को अभियोजित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि संसद इन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकती है। तो राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर तक का सफर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तय करते हुए अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सेंट्रल हॉल से भी ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वहां पर मौजूद हैं जो कि साक्षी होंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का। एक तरफ राष्ट्रपति का दस्ता राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर जाते हुए और दूसरी तरफ सीधे सेंट्रल हॉल की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सारे दल के नेता, एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी से चर्चा करते हुए सीधी तस्वीरें। और ये राष्ट्रपति का दस्ता संसद भवन परिसर की ओर जाते हुए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की व्यवस्था की गई है। इस अंगरक्षक दस्ते का गठन सर्वप्रथम 1773 में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने बनारस में किया था। प्रारंभ में इस दस्ते में 50 जवान और 50 घोड़े शामिल किए गए थे। बाद में बनारस के राजा चेत सिंह द्वारा इस दस्ते में 50 जवान और 50 घोड़े और शामिल किए गए, जिसके बाद इनकी संख्या 100 हो गई। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यह संख्या 1845 थी, जो कालांतर में बढ़कर 1929 हो गई और वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते में 4 अधिकारी, 14 जूनियर कमीशन अधिकारी और 161 जवानों की टुकड़ी शामिल है। ये सीधी तस्वीरें राजपथ से संसद भवन परिसर की ओर जाते हुए। राष्ट्रपति के सुरक्षा बलों को 1784 तक गवर्नर जनरल का बॉडीगार्ड कहा जाता था। 1858 में इसे वायसराय का बॉडीगार्ड कहा जाने लगा और 1944 तक आते आते इसका नाम 44वीं डिवीजन निगरानी स्क्वाड्रन पड़ गया। 1947 में एक बार फिर इस दस्ते को गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहा जाने लगा, लेकिन 21 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के साथ ही इस दस्ते को राष्ट्रपति का अंगरक्षक के रूप में नामांकित कर दिया गया। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ संसद भवन परिसर में जाते हुए, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का दस्ता और राष्ट्रपति का काफिला बढ़ता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि संसद भवन परिसर में सीधे पहुंचेंगे, जहां पर संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन परिसर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति कहे जाएंगे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। तो राष्ट्रपति भवन से निकलकर राजपथ से होते हुए सीधे संसद भवन परिसर की ओर जाते हुए राष्ट्रपति का दस्ता, राष्ट्रपति का काफिला, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ एक ही गाड़ी में संसद भवन परिसर की ओर कूच करते हुए संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जेएस खेहर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में